नमस्कारम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान वाच, काम्यानां कर्मणान्यासं सन्यासं कवयो विदुः, सर्व कर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं, तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को ही त्याग कहते हैं। त्यज्यन् दोषवदित्ते के कर्म प्राहुर्मनीषिणः, यज्ञदान तपः कर्म न त्यज्यम् इति चापरे। कुछ एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान तो यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, सन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए, यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु सन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुःखमित्तेव यत् कर्म काय क्लेशो भयात्यजेत, सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुखरूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यमित्तेव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। नहि देह भृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः, यस्तु कर्म फलत्यागी स त्यागित्यभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। अनिष्टमिष्टं मिश्रञ्च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागीनां प्रेत्य न तु सन्यासीनां क्वचित्। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में नहीं होता।